all of you for this initiative. Thank you. Thank you. This has been in the planning for some time, or it was a random idea? That's a very good question. Actually, you know, बचपन से ही, मतलब जब से मैं प्राइमरी स्कूल से थी, थोड़ा होश आया था, तब से मुझे जब भी गणेश चतुर्थी के दौरान जब यू नो प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स विसर्जित होते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, यू नो, इट्स आई मीन इट ऑल स्टार्टेड विथ शाडू माती, वी नो दैट, एंड देन ओवर द टाइम इट वॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस. Unknowingly, we Indians are very emotional people. We are full of sentiments. We follow our traditions, you know, with a lot of bhakti. And very unknowingly, there are some times, you know, we don't know that there could be larger concerns, especially when it comes to our environment. तो मुझे हमेशा से लगता था बचपन से कि इस कहीं ना कहीं वो पुराने ज़माने के शाडू माती के गणेश जी के आइडल्स को फिर से मुझे प्रमोट करना चाहिए. इफ़ आई कुड हैव इट, आई वुड हैव परहैप्स मेड अ फिल्म लाइक दिस व्हेन आई वाज इन स्कूल, बट दैट टाइम देर वाज नो डिजिटलाइजेशन, देर वाज नो नेटवर्क लाइक इट इज़ बिफोर, एंड इवन लाइक इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई वॉन्टेड टू डू दिस. फाइनली आई वॉज लाइक आई हैव टू डू इट दिस टाइम, एंड आई हैव टू डू इट वेल इन एडवांस, बिकॉज दिस इज़ अ pre-awareness activity. How was it conceptualized? Well, I just brought down to paper जो भी मेरे भावनाएँ थे, जो भी मेरी समझ थी, emotions बहुत थे इसमें, जो मुझे लगा. मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था, इको बापा के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था, जो काफ़ी सालों से a lot of eminent newspapers printed that article also. But then I thought, now we are in a digital world, and you know, everything that you read on the internet, some people don't have all the information about the festival, about the tradition, about the a lot of things. So I thought, let's go, let's meet the people who matter, put it all together, and try and bring awareness. Yes. पूरा समय कैसे बांधा आपने, मतलब हम लोग जोड़ा कैसे सबको? करने वाले पप्पा खुद हैं, हम और आप क्या कर सकते हैं, दैट्स द बेसिक रियलिटी. बट ऑल्सो डन, जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं, दैट रियली नीड्स एन अप्लॉज, दैट्स ऑल आई कैन से. यू कैन से वी आर जस्ट वन ऑफ देम, देयर समथिंग मोर टू कम इन पाइपलाइन फॉर श्योर. Sir, the basic problem is the mindset of ours. It is always a blame game. इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मैं क्यों करूँगा, मैंने किया तो उसने नहीं किया. तो अगर ये छोटा सा माइंड सेट चेंज हो जाएगा, और एक स्टेटमेंट है, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, अगर ये हम मानना शुरू कर देंगे, तो शायद किसी बीच वॉरियर्स की ज़रूरत नहीं, शायद कोई कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं, शायद कोई वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं. सो एक छोटा सा माइंड सेट हर चीज़ चेंज कर सकता है. और जनरली फेस्टिवल्स, येस फेस्टिवल इज़ अ वी ऑलवेज से दैट फेस्टिवल आते ही माहौल बन जाता है, वो खुशी का माहौल आ जाता है. बट कहीं ना कहीं खुशी के साथ साथ वो एनवायरमेंट जो हमें खुशी देती हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो एनवायरमेंट को हार्म करें. तो दैट्स इट अबाउट. अमृता, आप भी अपने यहाँ स्थापना करती हैं, ऐसा सोचा है? एक्चुअली हम सालों से हम चांदी का गणेश जी बिठाते हैं घर पे, और उसका विसर्जन भी पानी के बकेट में होता है. उसके बाद हम उसको फिर से पूजा घर में रखते हैं, एक अलग जोन में रखते हैं, जो सिर्फ फिर एक साल बाद वहाँ से गणपति बाप्पा फिर से हमारे घर में आते हैं. सो वी हैव ऑलवेज फॉलोड दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन माई फैमिली, दे हैव कोकोनट के गणेश जी, यू नो, एंड दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रसाद. सो अ लॉट ऑफ, आई मीन, इट्स आफ्टर ऑल इट्स योर सेंटिमेंट. भगवान किसी भी रूप में, आपको पत्थर में भी भगवान दिख सकता है, तो ये आपकी भक्ति होती है. एंड आई जेन्यूनली बिलीव दिस, कि द साइज ऑफ योर आइडल डजेंट
Yeah, it's not proportionate to the size of your devotion. You know, you can't measure it with the size of your devotion. So, you know, I mean, that is also a very important message that I want to promote during this pre-awareness, you know, Eco Bapa Moria activity. That murti ke size, murti, aapke murti ka size koi bhi ho, kuch bhi ho, but bhakti hai, to Ganpati Bapa khush ho jayenge. Yeah. तो इको बापा मोरिया जो है वो एक फिल्म नहीं है वो एक आई थिंक इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ रियलिटी आई वुड नॉट लाइक टू कॉल इट अ फिल्म आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट रियलिटी एंड शो इट टू द ऑडियंस इन अ वेरी कैंडिड वे तो जब मैंने ये बनाया तो जब हम शूट कर रहे थे और जब हम एडिट कर रहे थे वीडियो जब बन रहा था तो मेरा लार्जर पर्पस ये नहीं था कि प्रोडक्शन वैल्यू दिखना चाहिए या फिर यू नो बहुत प्रोफेशनल लगना चाहिए आई वांटेड टू मेक इट लाइक अ वेरी लाइक हाउ यूट्यूबर्स मेक इट अ वेरी कैंडिड अप्रोच एंड आई थिंक वी हैव अचीव दैट बिकॉज जब सिंपल चीज़ें कम्युनिकेट करनी है तो वो सिंपल सिंपलिसिटी के साथ करनी चाहिए और वो इंस्टेंटली दिल को छू जाती है अमृता जी जैसा कि राधे जी ने भी बताया सर आप भी बता सकते हैं हमें कि विसर्जन के बाद जैसा कि हम नेक्स्ट हम जो है मूर्ति भी नहीं देखते हैं नेक्स्ट डे जो हम अगर हम जाए तो ढेर सारा हमें परमिशन नहीं मिलता तो इस बार आप लोग इससे कैसे क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगी आप लोगों की एंड कैसे आप लोग निपटने वाले हैं क्योंकि बहुत हमें देखने को मिलता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो इस बार कैसे आप लोग स्ट्रेटेजी आप लोगों की इस इस बार मैं इनके साथ जुड़ने वाली हूँ चीनू कवात्रा के साथ और ये जो है ये 3 साल से इसमें बहुत ही इन्वॉल्व हुए हैं इन्होंने बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है इंक्लूडिंग मी तो मैंने मतलब मैंने प्रण लिया है कि मैं इनके साथ जुड़ जाऊँगी और ही इज़ गोइंग टू गाइड मी फॉर पोस्ट विसर्जन क्लीन अप एंड अवेयरनेस या जहाँ विघ्न है वहीं विघ्न हरता है सो डोंट वरी हमारा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा या विकास करना जी भी है इसमें तो ऐसा मुझे मतलब थोड़ा यस 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 Modaks will come along with the territory when Vikas, Chef Vikas with, is with us. But I think I really appreciate him that उन्होंने बहुत कम समय में इस फिल्म में अपना एक थोड़ा सा योगदान दिया है और उन्होंने किचन में आप किचन इन्ग्रीडियंट्स के साथ कैसे इको बापा को बना सकते हो ये उन्होंने हमें फिल्म में थोड़े से टिप्स दिए हैं सो दैट वॉज एक्सट्रीमली स्पेशल ऑफ हिम उन्होंने इतने short notice pe new york se aaye and next day he was like on the set with me so yes I really value his chef vikas khanna's presence abhi tak kafi log pehle se iske bare mein jagrukta kar rahe kehte bhi hai baatein bhi hoti hai aapko laga kuch difference hua abhi tak of course difference hua hai but kya hai na kuch saalon mein hi digitalization aur media ka jo मतलब फैलाव है या इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिस इज़ द टाइम वी कैन एक्चुअली यूज़ डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रमोट दिस कॉज लाइक नो वे बिफोर यू नो एंड ऑल्सो दिस इज़ अ प्री अवेयरनेस लाइक आई वी जनरली सी एंड रीड आर्टिकल्स अबाउट कि हमको पर्यावरण को कैसे बचाना है ये सब हम फेस्टिवल के दौरान पढ़ते हैं बातें करते हैं पहली बार मुझे लगा कि एक्चुअली कई सालों से मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा पहले होना चाहिए इट हैज़ टू बी लाइक अ प्री अवेयरनेस थिंग सो हेंस माय रिक्वेस्ट टू द मीडिया आल्सो दैट स्टार्ट योर प्री अवेयरनेस कैंपेन्स एंड अलर्ट्स टू द मासेस लाइक फ्रॉम नाउ लाइक वी आर लाइक आई थिंक 22 डेज अवे फ्रॉम गणेश चतुर्थी सो यस यस स्वच्छ भारत ऑफकोर्स इट्स बीन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम बट एज आई कीप टॉकिंग अबाउट इट वाई शुड बी इट रिस्ट्रिक्टेड टू हिज ड्रीम ओनली
ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना काम पूरा करे. जैसे उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले कि इट्स अबाउट दैट मेंटल बिलीफ दैट वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड क्लीन आवर सराउंडिंग्स. Well, like I said, you know, there was no script. It all came from my heart. जो भी मुझे लगा मैं लिखते गई और हमने बिल्कुल वैसे ही execute किया. ये इसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं था कि इसकी you know इसकी quality, production quality बहुत major होनी चाहिए. It was very simple, straight from the heart. We could have had some errors also, you know, like some critics can also point out कि ये shot ये ऐसा था, ये edit यहाँ, but हम बहुत time ले सकते थे, इत्मीनान से इसको बना सकते थे, but वो मकसद नहीं था. ये मकसद था कि इसको तुरंत लोगों तक पहुँचाना है. I hope this Ganesh Chaturthi after the विसर्जन new age क्रांतिकारी के लिए थोड़ा सा कम you know काम होगा. yeah. Amrita, you have initiated children also in this? So this is, like I said, this is not कि आज ये हुआ और ये ख़त्म हुआ. यहाँ से हमारी journey शुरू हुई है. ये एक campaign है जो मैं every year, साल दर साल support करना चाहूँगी. तो हम अभी target कर रहे हैं कि हम schools में जाए, हम municipality schools में भी जाए. हम इसीलिए मैंने इसको हिंदी में इसीलिए document किया ताकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी समझ में आए. स्मॉल टाउन्स, वो लोग जो बम्बई में आते हैं, जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक इतना काम करते हैं, उनके पास अवेयरनेस होने का या फिर एडुकेट करने का वक्त ही नहीं होता. यू नो वी हैव सो मच ऑफ हार्ड वर्किंग वर्किंग क्लास पीपल इन मुंबई. सो आई होप थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, थ्रू द एप्स, यू नो दिस वीडियो कैन सर्क्यूलेट. People see it, go on the links and watch the video. So yeah, it's a journey that has just begun. Which has been your favorite film of involving Ganpati, and any song which is your favorite for Ganpati? For me, Ganesh Chaturthi, the you know the festival, the puja is not complete without listening to Lata ji's Sukha Karta Dukha Harta. Very honestly, you know, and that the minute I hear Lata ji's voice and heard the first word Sukha Karta, it gives me goosebumps. So for me, that is the ultimate moment of my, you know, like my whole puja process. Yeah. Well, I don't really ask things to God. I don't really, मैं कोई ऐसे मांगती नहीं हूँ. I just thank him. So yes, he's always been there with me. And Ganpati festival is also about coming of families and relatives. पता नहीं हमें सुना था ऐसी चीजें. आज आप उसको clear कर देंगे. So now Miss Deepika Padukone is also your relative now. Oh, yes. And could you just Well, I belong to the Chitrapur Saraswat community, which is a Konkani speaking community. We are from Karnataka, and people often mistake it for Konkan belt. It's not, it's in Karnataka. It's a very small community. In the film industry, we've had some amazingly talented people. Mr. Shyam Benegal, Atmaram Padukone, Gurudat Padukone, who was Konkani. People don't know that Gurudat was not his surname, he was Gurudat Padukone. And now we have, of course, Deepika Padukone, Isha Kopikar. I have been in the industry now. Among the actresses, we have Leela Chandavarkar, and there is the famous singer also. Anuradha Podwal ji is also half Konkani. Her mother is a Konkani. So yes, it's been a small community, and everybody is related to everybody. Yes, and recently, of course, my cousin and Deepika's cousin tied the knot. So yes, it was a reason for the whole Konkani community to come together.